जाना, पहले जो आप पर आरोप लगा हुआ उस आरोप को खत्म करो। ये जातिवादी के चक्कर में नहीं रहना है दोस्तों। पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे की तरह काम करो, ठीक है। रोजगार चाहिए, पढ़ रहे हो ना, रोजगार चाहिए तो हमारे देश को आगे लेके जाना है, तभी रोजगार भी मिलेगा। और मैं विशेष से क्या बोलूं, आप तो खुद पढ़े लिखे हो। ये भीड़ भाड़ और ये राजनीति के चक्कर में नहीं आना है, अनपढ़ वाले काम नहीं करने हैं दोस्तों। मैं क्या विशेष बोल सकता हूं, मैं इतने भी ज्ञानी नहीं हूं। आज समय मिला, आज ये महारैली जो भाजपा भगाओ देश बचाओ, मैं बोलता हूं देश क्या बचाना, देश तो हम बचाने के लिए तैयार हैं, हमारे सैनिक किस लिए, देश बचाने के लिए हम हैं। ये नेता क्या बचाएंगे देश, जो देश को ही बेच करके खाने के लिए उतारू हैं, ये क्या बचाएंगे देश बचाने के लिए। मैं भर्ती हुआ हूं, देश का सिपाही, हर एक सिपाही देश बचाने के लिए आज अपनी जान पर खेल रहा है। ये देश बचाने की क्षमता करते हैं ना। ये क्या लिखा इन्होंने हेडिंग में, महारैली के हेडिंग में, देश बचाओ। क्या है देश बचाने का मतलब? देश बचाने का मतलब ये, अपने घर पर रह करके मजे लो, अपने बेटे को राजनीति में डालो, पारिवारिक पूरे देख लो। मुलायम सिंह यादव महोदय पूरे खानदान है, नेता मंत्री, कभी उनके खानदान का एक आया सिपाही बना देश का। देश बचाने चलो, सिपाही बन के दिखाओ, दो घंटे ड्यूटी करके दिखाओ देश बचाना है तो। ये चुतिया पंथी वाला काम कर रखे हो, ये देश बचाने का मतलब क्या होता है इनसे पूछो कभी खड़े होकर के। अगर है सीने में दम, कलेजे में दम, देश बचाने का नाम लेते हैं तो हमारे सामने आकर के टॉकिंग करें, तब मैं इनसे पूछूंगा कि देश बचाने का मतलब क्या होता है। अरे भाजपा भगा दो, मैं मान लिया भगा देते हो आप, लेकिन देश बचाने का मतलब क्या है? देश के बचाने का मतलब ये गद्दारी, चारा घोटाला, रेल घोटाला, अपने बेटे और दामाद और बेटियों का नाम से कितने करोड़ों अरबों का प्रॉपर्टी। अभी सीबीआई ने छापा मारा, पता नहीं और कौन कौन सी 9 टीमों ने छापा मारा, तो उस टाइम कहां गए थे ये, उस टाइम क्यों नहीं बचा? ये तो ये बोल रहे हैं, इनका बोलने का अर्थ पता है क्या है? हमारी संपत्ति बचाओ, हमारे बेटे का मुख्य उप मुख्यमंत्री का पद बचाओ, ये बोलो ना अच्छा लगेगा। माननीय लालू प्रसाद जी, बहुत खेद हो रहा है, पढ़े लिखे जमाने के अनुसार पढ़े लिखे की तरफ बात किया करो। पोस्टर पर लिख दिए भाजपा भगाओ देश बचाओ, देश बचाने का मतलब है इसका जवाब आप देना। ये देश का जवान पूछ रहा है, ठीक है, हमारा हक है, हमारा अधिकार है आपसे सवाल पूछने का, और आपका जवाब देने का भी हक बनता है। लेकिन गद्दारी नहीं, चोरी नहीं चलेगा। अब देश बहुत ही आगे बढ़ चुका है और तरक्की करने पर है, देश को पीछे मत ले जाओ, ठीक है। वो समय नहीं रहा, आज इंटरनेट का जमाना है, ठीक है ना। घर पर जो बैठ करके मजे लेते हो ना, कभी आकर के कश्मीर में ड्यूटी करो, बर्फ में चिलचिलाती हुई धूप में, छत्तीसगढ़ झारखंड में जाकर के धूप में ड्यूटी करो, राजस्थान में जाकर ड्यूटी करो, अपने बच्चे को क्यों नहीं? क्या सैलरी कम मिलता है? क्या सैलरी कम मिलता है तो आप ही क्यों नहीं बोलते कि जवानों का सैलरी कम है, सैलरी बढ़ा दो, उसके बाद अपने बच्चे को भर्ती करवा दो, देश के जवानों साथ यहाँ पर आके ड्यूटी करें। देश बचाने का नाम लेते हो तो है दम, आपके पास तो अरबों की संपत्ति है, बैठ के खाओगे 7 पीढ़ी, ठीक है, इतनी संपत्ति है तो। पर भी नेता मंत्री और घोटालेबाजी के चक्कर में बढ़ते हो, भाजपा भगाओ और देश बचाओ। थैंक यू, जय हिंद।